यहाँ पर जी बन रहा है इडली सांभर, तो देख सकते हैं इडली यहाँ पर तैयार है और साथ में यहाँ सांभर। समधी के स्वागत में समधी जी कमी नहीं होना चाहिए। तीनों समधी को देखते हैं जो कौन समधी कितना ज्यादा मानते। क्या हुआ अभी पता है? तो आज मम्मी कहती है कि हम तो कपड़ा फैलाए ही नहीं। फैलाए नहीं तो उठाएगी क्या? ये गाली हम कपड़ा उठाने जा रहे हैं। हमें याद आया हम तो फैलाए ही नहीं। हमें याद आया हमने कपड़ा धोया ही नहीं। ये तो बहुत ही बराबर है। ना कोई धोया ना कोई धोया ना कोई फैलाया। बात है आपके पोता का इतना कपड़ा रहता है कि वॉशिंग मशीन में ढोना पड़ता है। अरे कपड़ा उधर जा रहे तो फैला गया। मैं हमारी नौकरानी तो नहीं हूं। छोटी बहन हो आप। अरे बहन हूं तो क्या खर्चा बनता है? इसका फर्ज बनता है मेरा कपड़े धो दे, कपड़े प्रेस कर दे। मेरी बहू बहुत चाहती है लेकिन इसके पास टाइम ही नहीं है। अभी वीडियो बना के आई है, अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर देखिएगा और फेसबुक पे। मेरी बहू कपड़ा धो के फैलाना चाहती है, प्रेस करके मुझे पहनाना चाहती है। तो मेरी बहन है, कहती है पहले हम 16 आदमी का खाना बनाते थे। अरे आज बनाओ ना, पहले क्या करती थी वो हम जब देखते नहीं। आप बताओ जिसको तीन तीन बहू वो सास खाना बनाएगी? मैं तो बिल्कुल तीनों बहू को बता दिए है जब तुम खाना अपने पति के लिए बनाओगी तो मेरे लिए बना, अपने बच्चे के लिए बनाओगी, हम नहाते हैं तभी मुझे भूख लगती है, मैं नहाऊंगी नहीं। जब तुम बनाओगी तब हम नहा लेंगे। तीन सास है, तीन तीन, एक तो किसी को बनाने नहीं देती। अब हम मना नहीं जा, अब और मना नहीं जा। अब मैं चाहती हूँ जब तीनों बहू नहीं करेगी तब मैं खुशी खुशी बना लूंगी। मैं पेज पाउडर लेके तुम घूम रहा है, मम्मा का फेस पाउडर है, आपका फेस ऐसे। 2 hours late. तो आज घर में क्या बनने वाला है? आज इडली सांभर बनने वाला है घर में, तो जल्दी से आज जो है ये इडली का जो है बर्तन तो जल्दी से नीचे दिया आते हैं और बहुत दिनों बाद हमारे घर में इस बर्तन का इस्तेमाल होने वाला है, लगभग लगता है सालों बाद। देख लो कहाँ भागा। और फिर उसके बाद जो है सामान भी लाना है, उसका कुछ बचा हुआ है बगल के दुकान से लेते आते हैं। और क्रिया उसको गोद में लेना पड़ेगा क्योंकि इसको जब तक गोद में नहीं लेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है चाय सब ही का चल रहा है और हम जो है जाके ले आते हैं अरहर का दाल और इनो, और भी कुछ है बता दो ताकि हमको फिर दोबारा नहीं दौड़ना पड़े। हमको अच्छा ठीक है, हो गया ना बस इतना ही। हल्दी का एक पैकेट, ठीक है, तीन चीज हो गया। और कुछ कढ़ी का पत्ता मांग लेंगे। देखिए तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना, जैसे जैसे याद आ रहा है। कोई बात नहीं, हम नोट कर लेंगे सबको। क्या बनाएंगे कढ़ी के पत्ते से और क्या बन रहा है अरहर के दाल से वो हम बताएंगे। तो अभी आपको कुछ ही देर मालूम चलेगा, उसे हम बोल ही चुके हैं। अच्छा, ये बता दी है, बताइए। कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड में इडली बनाने वाला है। अच्छा, दुकान से जी दो सब सामान लेना था वो सब तो ले लिए हैं और अब लग रहा है कि जैकेट की कोई जरूरत नहीं है, बेकारी जैकेट पहन करके चले गए। लेकिन होता क्या है जी, जिस दिन जैकेट पहन करके नहीं जाते है, देखते उसी दिन मौसम में जो है थोड़ी सी ठंड आ जाती है और उसके वजह से जो है सर्दी जुकाम सब हो जाता है। तो आ गए हैं जी और आंटी भी आ गई है साथ, क्या कुछ बोलना था क्या? हाँ, मैं बोलना चाह रही हूँ। हमको तीन गो बेटा है। अच्छा, बड़ा बेटा किशन, उसे छोटा सासवत, उसको हम सोनू बोलते हैं, और तीसरा है मोनू। अच्छा, तो मैं दो समधी को तो संभाल देती हूँ जो मलाई मार के दही पिला लाने के लिए। अच्छा, लेकिन बड़ा वाला बेटा जो है नूपुर के फादर किशन का ससुर, उसको मैं अभी वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं उसके यहाँ जा रही हूँ मधुबनी, अच्छा से मलाई मार के दही जमा करके। अच्छा, रस कदम रस मलाई और समधी के स्वागत में वो रोड पर हमको मिले। वाह वाह वाह, क्योंकि मैं उनकी जसोदा मैया हूँ किशन की। मैं दो बेटा को पाली हूँ, बड़ा बेटा किशन दूसरा सोनू। समधी के स्वागत में समधी जी कमी नहीं होना चाहिए, ये बात आप जान लीजिए। तीनों समधी को देखते हैं जो कौन समधी कितना ज्यादा मानते हैं। अच्छा, तो आंटी जी का जो है अपने सुन लिया है फरमान, शायद आप लोगों तक मैसेज भी जा रहा होगा और जो भी ऑडियंस है वहाँ देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या बात है। तो कुछ ही दिनों में आपको समझ आ जाएगा कि आखिर हम क्या बोलना चाहते हैं। स्पेशल डिमांड किया गया था साड़ी साया ब्लाउज, उतना बात हम नहीं बोल सकते, उसे समधी नहीं बोल सकते। आजकल के जमाने में क्या होता है जानते हो? बच्चा के पेट
में दर्द हो या सर्दी जुकाम हो तो लोग का बुखार हो तो गलत फहमी है। जो फला आदमी जो हमको देखी थी मेरे पोता या नाती या बेटा को तरह देख रही थी लगता वो कर दी सब। अगर दुनिया में रहता इतना जो सेना का बहाली हुआ है सब बेकार है। बॉर्डर का पथ पथ छोड़ देता डैन सीधे बांध मार देता बस डैन का ही जरूरत था कोई सेना का जरूरत था जब डैन नहीं है तो पुलिस वहाँ क्या बड़े बड़े ओहदे पर जो लोग हैं वो लोग इतना जो खर्च कर रहे हैं अपनी सुरक्षा पर सब आदमी प्रत्येक आदमी अपना अपना दो डैन रखे पूरा प्रशासन पर क्या खर्चा होगा। बिल्कुल बिल्कुल डैन पर खर्चा हो जाए। A few moments later. तो ये है क्या करने वाली हैं आप? इडली बनाएंगे थोड़ा सा इसमें पहले दाल बनाइएगा ना मतलब दाल बनाएंगे हाँ सांभर बनाएंगे। अब जा रही हूँ मैं उसकी तैयारी करने सब्जी उब्जी काटने सांभर के लिए फिर आगे बताएंगे आप। चलिए यहाँ पे मम्मी फुला के रखी हुई है सूजी का बना रहे हैं ना हाँ सूजी और दही मिला हुआ है सिर्फ और सूजी और दही सुबह मम्मी मिला करके इसमें रख दिए जैसे है दो कटोरी आप दीजिए एक कटोरी जैसे आप सूजी दिए तो आधी कटोरी इसमें दही दीजिए इस हिसाब से आप कर लीजिए हाँ जितना आपको बनाना है जितना आपको बनाना है और उसको जितना टाइम फूल ले छोड़िएगा उतना अच्छा बनता है उतना खमीर इसका उठेगा। ऐसे आप जल्दी में बनाना चाहते हैं तुरंत उसको दही मिलाइए 15 मिनट के लिए ढक दीजिए इनो मिलाइए बनाने समय में इनो डाल दीजिए तुरंत मिला के बनाइए 15 मिनट में तैयार जैसी आपकी मर्जी। तो हम आए हुए हैं जी अपने मौसा और मौसी जी के घर में और दीदी को कुछ बोलना है क्या बोलना चाह रही है बोलने आए हैं हम तो तीन बहन थे भगवान मुझे मिलाया चार बहन अच्छा हमारे जीजा जी मिल गए हम लोगों के जिंदगी भर ताउम्र रिश्ता निभेगा ही और हम बाल बच्चों को भी संदेश देने आए हैं अच्छा। हम लोग के तरह तुम लोग भी अपने सभी भाई बहन को बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा रहे बिल्कुल बिल्कुल और वीडियो के माध्यम से इसलिए संदेश दे रहे हैं ये सब दिन रहेगा और मेरा जो बहन बेटा बहन बेटिया मेरा अपना बेटा दोनों ये सभी भाई बहन आपस में इसी तरह से हम लोग रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। बहन भूतपूर्व हाई स्कूल शिक्षक है बहुत योग शिक्षा अच्छा और मैं निर्जा ना। मैं भी शिक्षा पदाधिकारी सेवानिवृत्त हूँ शिक्षक थे अभी सेवानिवृत्त हूँ दोनों साली और जीजा थे सेवा में कोई नहीं है पेंशनधारी है इसलिए हम लोग अपने बाल बच्चे पर आश्रित नहीं है आप लोग हम लोग को इज्जत दीजिए अनुकूल रहिएगा हमेशा प्राप्ति प्रॉफिट ही होगा बिल्कुल हम दोनों बने के भाषा बोलते हैं। यहाँ पर आए हुए थे अपना करी पत्ता लेने के लिए मम्मी जो आज बना रही है घर में इडली सांभर जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपको बताया और यहाँ मम्मी भी साथ आई कहे कि हमें अपने जीजा जी से मुलाकात करना है चलो हम भी चलते हैं साथ। तो मम्मी भी आ गई और अभी आप लोगों ने उन लोगों की बातचीत देखी। तो यहाँ सांभर बन रहा है इसमें क्या क्या डाला मम्मी आपने? लौकी बैगन कद्दू जिसको आप लोग काशी फल कहते हैं टमाटर लहसुन प्याज अरहर के दाल तो ऐसा मिलता वो भी डालते लेकिन वो मिला नहीं कोई बात आपको डाल के आप इसमें पानी भी डाले हैं आप पानी डाल के सीटी लगा देंगे प्याज भी डाला है ना आपने हाँ प्याज भी अब सामान मसाला डाल के नमक हल्दी डाल के इसको पका देंगे मसाला फिर इसको जो होगा वो आप लोग देखेंगे। तो इसमें पानी नहीं डालना है पानी नहीं डालना ना डालना है थोड़ी देर बाद डालना है क्या अभी तुरंत डालना अब तुरंत डालेंगे हो गया नमक हल्दी डाल के इसमें पानी डाल देंगे वैसे ये पानी में कच्चा भी आप डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा हम सब्जी को हल्का सा तेल देके उसको कर दी है जिसमें कच्चा पन रहा नहीं रहे तो और स्वादिष्ट लगता है और अच्छा थोड़ा लगता है। तो इसमें सांबर मसाला डाला जा रहा है और हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। तो मम्मी का गला गया है बैठ मम्मी चिंता में है कि शादी में जाएंगे गीत नहीं गाएंगे गाना नहीं गा पाएंगे ये हमें बहुत दुख की बात है लेकिन क्या कर सकते हैं अजवाइन पानी पीजिए गला साफ होगा। अरे नहीं जाएंगे तो अभी जिया नहीं मान रही है तो हम अकेले कैसे जाएंगे अभी नहीं जाएंगे एक तो तबीयत खराब है ऊपर से गाना नहीं गा पाएंगे तो मम्मी इसमें डाल दी अदरक इसमें डाला जा रहा है पानी जौल इसको बंद करके कितना देर छोड़िएगा पक जाए दो सीटी लगा देंगे हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाते हैं दो सीटी लगने के बाद। तो इसमें मम्मी पूरा तेल मिला दिए दोनों में और इसमें पानी डाल दिया मम्मी उबलने के लिए तो मम्मी पहले बिना इनो का चेक कर रही है कि फूल जाए इनो डालेंगे ना हमको थोड़ा सा स्वाद में वो अलग लगता है वही ना इसलिए हम पहले इसको दे दिए थे इसका खमीर आ जाए एक बार चेक कर लेंगे कि अच्छे से वो हो जाता है तो फिर इनो नहीं डालेंगे नहीं डालेंगे इसको अच्छे से मिला करके आप लोग को पता है
अभी तो मेरे पास साचा भी है यहाँ पे, जहाँ पे नहीं रहता है तो मैं जुगाड़ से बना लेती हूँ, कटोरी से बना लेते हैं। बहुत पुरानी वीडियो अगर आप लोग देखेंगे कोरोना के समय में, आपको जुगाड़ वाला भी इडली मिल जाएगा। हाँ, बहुत पुरा, अगर आप लोग देखना चाहते हैं मम्मी ने जुगाड़ से कैसे बनाया था, तो आप पुरानी वीडियो हमारी खोल के देखिएगा कोविड के टाइम की। दोनों डालें, एक ही डाल देते हैं अभी, पहले चेक करते हैं। यहाँ पे मम्मी ने कुछ ट्राई किया है बना करके कि कैसा बना है, और आप क्या करने वाले हैं, छौंक लगाने वाले हैं। अब समर को छौंक लगाएंगे, तड़का कढ़ाई चढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर क्रियांश आ गया जी किचन, और क्रियांश जिस चीज को देखने आया था हम भी उसी चीज को देखने के लिए आए, उनको देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जी बन रहा है इडली सांभर, तो देख सकते हैं इडली यहाँ पर तैयार है और साथ में यहाँ सांभर। जल्दी से लगाया जाए खाना हमको, क्योंकि भूख लगी है, गरम गरम खाएंगे तो मजा आएगा, ठंडा हो जाएगा तो उसका ज्यादा मजा नहीं आएगा, इसलिए गरम गरम ही खा लिया जाए। लगाया जाए जल्दी, दीदी थाली निकालो, थाली ले लेते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं हम अपना चार लेते हैं पहले, उसके बाद जितना भूख लगेगा आगे चला जाएगा उतना ले। तो अभी बज रहे थे रात के 10, और इस समय जो है सभी लोगों का खाना पीना हो गया है, और क्रियांश का भी खाना हुआ है, तो इसको छोड़ दिया गया है फिलहाल, अपना खाना पीना पचाएगा या और फिर उसके बाद चलेंगे। बिल्कुल जी, पता नहीं क्या करे, दूध बस वाह वाह, ये कौन सा आदत सिखाए तो। नहीं जय, गेट खुला ही हुआ है। हाँ चल रहे, हम भी आ रहे। परसों जो है हमारे घर में पूजा भी है, तो पूजा को लेकर के भी कल हम सभी को तैयारी कर दी है, तो चलते हैं जल्दी से चल करके वहाँ पर, क्रियांश की मालिश हो जाए, उसके बाद क्रियांश जो है सो जाएगा, फिर सवेरे उठेंगे और थोड़ा बहुत अपना सुबह थोड़ा काम सब अपना निपटा उपटा के सब पूजा की खरीदारी करेंगे। 20 minutes later. तो क्रियांश का जी हो गया है मालिश, और अब बारी इसके सोने की, तो देख सकते हैं हल्का फुल्का जो है सर थोड़ा सा शांत हुआ है, क्योंकि अब जो है इसको नींद आई है, बस थक गया था इसलिए रेस्ट ले रहा था। अब शुरू हो गया, अब आ गया पावर में। देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है क्रियांश, पीठ पे चढ़ा के घुमा, पीठ पे कहा था घुमाते रहो। हाय 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 हाय,